नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। अगर आप एक क्लाउड किचन के ऑनर हैं तो आपको मैजिक पिन और इंस्टाग्राम ने जो नई सर्विसेज स्टार्ट की हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, ऐसे छोटे बिजनेस के लिए जो कि इस समय काफ़ी नुकसान में है, तो आपको वो सारी अपडेट होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे मैजिक पिन की। मैजिक पिन पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसपे कि आपकी शॉप्स, नाई की दुकान, रेस्टोरेंट, कोई भी परचून की दुकान, सैलून, ये सारी चीज़ें लिस्टेड थे। अगर आप वहाँ पे जाके कुछ सामान खरीदते थे, आप कुछ को कुछ रेफरल पॉइंट्स मिलते थे, उन रेफरल पॉइंट को आप कहीं पे जाके रिडीम करते थे। इवन अगर आप कहीं पे खाना खा रहे किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ की फ़ोटो डाल के अगर आप अपलोड करते थे वहाँ पे, तो आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते थे। तो सेम अब यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट फिर से लगा दूंगा। इन्होंने अपनी जो कि फूड डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट की हैं, तो अगर आप एक क्लाउड किचन के ऑनर हैं तो आप इनसे के साथ टाई अप्स कर सकते हैं। बेसिकली आप इनका जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, वहाँ से सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सिर्फ आपसे आपका फसाई लाइसेंस मांग रहे हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है आप जीएसटी नंबर दे सकते हो, नहीं है तो आप जीएसटी नंबर मत दीजिए, पर आप इनके साथ टाई अप जरूर कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इनकी कई सारी पेड प्रमोशंस भी हो सकती है, पर फिलहाल वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे इतना बेनिफिट नहीं होता है। दूसरा, हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम की, वो लोग कह रहे हैं थे कि हम लोग जो कि छोटे बिजनेसेस हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने, मैं अपने यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज भी लगा दूंगा जिसमें कि आपको पता चल पाएगा कि वो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। यहाँ मेरे इंस्टाग्राम का पेज आ गया होगा जिसमें COVID-19 बिजनेस रिसोर्सेज लिखा होगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। आपके आपके इंस्टाग्राम पेज पर भी जो रेस्टोरेंट का पेज है स्पेशली, आपको वहाँ पर जाके करना है। आपको उसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो दूसरा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, टूल एंड सपोर्ट, टूल एंड सपोर्ट में जाके ये आपका इसमें जो ऑप्शन आएगा फूड फॉर ऑर्डर, आपको फूड फॉर ऑर्डर जाके करना है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें कि पहला ऑप्शन आपका होगा चैट फूड है, इजी डाइनर है, इन रेस्टो बाई डाइन आउट है, स्विगी और जोमेटो है। तो आप यहाँ पे सारे जाके टाई अप्स कर सकते हैं। ये बेसिकली ये इंस्टाग्राम के फूड स्टिकर्स हैं। आपको अपने रेस्टोरेंट का जो भी लिंक है यहाँ पे जाके सेव करना है और उसको क्लिक करके सेव कर देना है। तो आपके इसमें होगा कि आप स्टिकर्स जनरेट कर सकेंगे और अपनी स्टोरीज में शेयर करेंगे। जब भी कोई कस्टमर आपके इलाके में होगा, अगर वो उस स्टिकर्स को देखता है, वो उसे क्लिक करता है, तो वो जाके डायरेक्ट स्विगी जोमेटो के थ्रू आपके पेज पर पहुँच जाएगा, या ये चैट फॉर फूड, इन रेस्टो बाई डाइनआउट, जो भी सर्विसेज वो लेना चाहे वहाँ से वो आपको डायरेक्ट ऑर्डर कर पाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो आपको भी ये वाली सर्विस ज़रूर अवेल करनी चाहिए। अपने को जाके इंस्टाग्राम पे लिस्ट जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चैट चैट फूड अगर आप अगर सेपरेट जाके गूगल में सर्च करेंगे तो ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप सेपरेट भी इसका जाके फॉर्म भर सकते हैं और आपको एक नई इन्फॉर्मेशन यहाँ से इसके बारे में मिल जाएगी। हो सकता है मैंने भी आज ये पहली बार देखा, कल तक ये इंस्टाग्राम पर ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा था। चैट फॉर फूड आज ही आज सुबह से ये दिखाने लगा है। मैंने भी इस कंपनी के बारे में जाना, काफ़ी पुरानी कंपनी तो नहीं है, पर ये एक तरीके से एक तरीके से बीच के जो कमीशन के जो मार्जिन है उन्हें हटाती है या नहीं देने पड़ते हैं आपको। आपके पास डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से, व्हाट्सएप से काफ़ी तरीके से आपको डायरेक्ट कस्टमर्स के ऑर्डर आ सकते हैं। तो आप भी इसे अच्छे से जाके चेक कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट थी जो इंस्टाग्राम और मैजिक पिन के बारे में थी, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है, कमेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप का नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो क्लाउड किचन के सेटअप के बारे में, स्टार्टअप के बारे में एक क्लास लेना, एक फ्री क्लास लेना, तो आप मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो उसके अलावा तब भी आप मुझे नीचे लिख सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।